आराम से बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आपको आसानी लगे उस आसन में बैठ जाएं और अपनी सांसों को मूलधार चक्र में स्थापित करें। मन ही मन में मंत्र बोलिए, लम 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 अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए शक्ति को जो मूलाधार से होती हुई आपके स्वाधिष्ठान को भेद रही है। महसूस कीजिए उस एनर्जी को जो अब स्वाधिष्ठान में चली गई है। मन ही मन में मंत्र बोलिए, वम 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 अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक शक्ति है जो मूलधार को भेदती हुई स्वाधिष्ठान में जा पहुंची है। स्वाधिष्ठान से अब मणिपुरा का सफर वो तय करेगी। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और इतना अच्छा महसूस करें जितना आपने जिंदगी में ना किया हो। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अब वो शक्ति मणिपुरा चक्र में पहुंच गई है। मन ही मन में आप इस मंत्र का उच्चारण करें, रम 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 अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें और शक्ति को महसूस करें। अब वो शक्ति ऊपर की तरफ अग्रसर हो रही है। आपके स्वाधिष्ठान को भेदती हुई अब वो मणिपुरा की ओर अग्रसर हो रही है। महसूस कीजिए उन तरंगों को, उस कंपन को महसूस कीजिए जो आपके अंदर उठ रहा है। और इस मंत्र का जाप करें मन ही मन में, यम 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 अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें
और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपके अंदर कंपन पैदा कर रही है। उन तरंगों को पहचानिए जो आपके चक्रों में तरंगे पैदा कर रहे हैं, एक बिजली सी जो दौड़ रही है आपके शरीर में, उनको पहचानिए। अब वो शक्ति आपके विशुद्ध चक्र में स्थापित होने जा रही है। महसूस कीजिए उस एनर्जी को, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए उस शक्ति को जो अनहता से निकलकर विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है। अब वो शक्ति विशुद्ध चक्र में स्थापित हो गई है। मन ही मन में मंत्र बोलिए, हम 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 अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और उस शक्ति को महसूस करें जो आपके अंदर कंपन पैदा कर रही है। कुछ तरंगे से उठते हुए दिखेंगे आपको आपके शरीर के भीतर। अब हम विशुद्धि चक्र से निकलकर अजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महसूस कीजिए उस एनर्जी को जो अब आपके अजना चक्र में स्थापित हो गई है। मन ही मन में मंत्र बोलिए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपके भीतर हलचल मचा रही है। अब वो शक्ति अजना चक्र को शोधित करते हुए सहस्त्रार में प्रवेश कर रही है। अब आपने परमानंद की स्थिति को अर्जित कर लिया है। इस पृथ्वी में इस स्थिति के अलावा और कोई भी आनंद शेष नहीं रह जाता। अब आप परमानंदी हो गए हैं। इस सुख का भोग करने के बाद किसी वस्तु की कामना शेष नहीं रह जाती। यही है वो स्थिति जिसके पीछे दुनिया भर के तांत्रिक अपना पूरा जीवन इस साधना में करते रहते हैं कि कब उनका सहस्त्रार चक्र शोधित हो और परमानंद की स्थिति में वो पहुंचे। यहां तक शक्ति को लेकर आना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन हठयोग से किया जा सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, जितनी बड़ी शक्तियां आपके पास आएंगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास उनको संभालने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो चलिए
एक बार फिर से शुरू करते हैं। महसूस कीजिए शक्ति को आपके मूलाधार में, आपके रूट चक्र में। वहां पर कुछ हलचल हो रही है, कुछ कंपन सा हो रहा है, कोई बिजली सी दौड़ रही है। उसे ऊपर की तरफ अग्रसर करें। अब वो शक्ति आपके स्वाधिष्ठान को भेदते हुए, मणिपुरा से जाते हुए अनहता को शोधित करते हुए विशुद्धि में पहुंच गई है। विशुद्धि से आपके अजना चक्र में और अब सहस्त्रार में एक कंपन सा है जो बार बार आपके चक्रों को शोधित कर रहा है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहता, विशुद्धि, अजना, फिर सहस्रार, ऐसी एक शक्ति है जो आपके शरीर में दाएं से बाएं घूम रही है। महसूस कीजिए शक्ति को, महसूस कीजिए। अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। महसूस कीजिए मूलाधार चक्र में एक कंपन, एक शक्ति जो ऊपर की तरफ अग्रसर हो रही है। अब वो शक्ति मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनहता, अनहता से विशुद्धि, अजना और सहस्रार, इन चक्रों को शोधित करते हुए आपको परमानंद की स्थिति में ले जा रही है। अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित रखें और इस चक्र को जारी रखें। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहता, विशुद्धि, अजना, सहस्रार, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी इंगला कभी पिंगला, इन दोनों नाड़ियों का शोधन करें, अपने चक्रों का शोधन करें और उस परमात्मा को पाने की राह में बढ़ते रहें आगे को।